Many of my students always ask that why my consultancy on my gym is failing. मेरा gym और मेरी consultancy क्यों घाटे में जा रही है. तो इसके बहुत ही prime parameters जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं. सबसे पहला parameter कि भाई gym start करना सबके बस की बात नहीं है. तो आपका एक fix और capital investment कितना है ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है. आपका अगर इन्वेस्टमेंट का या आपकी जो सेविंग्स है उसका 10 या 20% से आपका जिम बन जाता है तो जिम करना वायबल बनता है. बिकॉज जिम बहुत ही कैपिटल एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाला और काफ़ी ज़्यादा हाई ऑपरेशनल कॉस्ट रखने वाला बिजनेस है. इसीलिए कोई ट्रेनर या कोई डाइटिशियन अगर जिम करता है तो उसके लिए रन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. हम इसे कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी अच्छा जिम सेटअप करने के लिए जहाँ पे एक साथ 200-300 लोग वर्कआउट कर सके उसके लिए आपको करीबन 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक के रुपए चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया कौन से लोकेलिटी में है, आपका एरिया और जिम कितने स्क्वायर फीट का है, कितने कारपेट एरिया का है और जिम आप कितने एक्सपेंसिव मशीन्स और एमिनिटीज़ के साथ बनाना चाहते हैं. तो जिम बनाने के लिए इतना बड़ा एक्सपेंडिचर चाहिए जो अगर आप अपनी पूरी सेविंग प्लस लोन लेकर कर लेते हैं तो डिफ़िकल्टी है कि ये चलाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके साथ ऑपरेशनल कॉस्ट लाता है. मतलब आप एक जब जिम चलाते हैं तो आपको लगता है कि भाई चलाने के बाद या बनाने के बाद कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन ये गलत बात है. जिम में आसानी से 8-10 एसी लगते हैं बड़े बड़े, साथ में 8-10 लोगों की टीम होती है. बिकॉज हर 10 या 12% पे आपको एक ट्रेनर चाहिए. अगर आप एवरेज 100 या 200 कस्टमर भी पकड़ के चलते हैं तो भी आपको 8-10 ट्रेनर रखने पड़ते हैं. उसके बाद आपका 1 लाख और 1 लाख मतलब 2 लाख का खर्चा ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल में और आपके ट्रेनर्स में फिक्स होने के बाद आप खर्चा करते हैं पीटी के कमीशन्स में. आप जो कमाते हैं उसमें भी आपको कमीशन देना पड़ता है. कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कमीशन भी देना पड़ता है कंपलसरी, लेकिन जिम में देना पड़ता है कंपलसरी, उसके विदाउट इंडस्ट्री नहीं चलती. तो 30-40% तो आपका कमीशन का खर्चा हो जाता है. तो आप उसमें भी 2 लाख जोड़ लीजिए तो 4 से 5 लाख रुपये जिम का फिक्स कॉस्ट होता है. उसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, लोन लिया, उसका इंटरेस्ट अमाउंट या डेप्रिसिएशन अमाउंट भी लगता है, वो भी आप 1 लाख पकड़ लीजिए तो 6 लाख तक का खर्चा आसानी से कोई छोटे जिम में या बड़े जिम में हो सकता है. बड़े जिम में बड़ा होगा, छोटे जिम में छोटा होगा. अब ये खर्चा के साथ आपका मार्केटिंग करना पड़ता है, आपको सेल्स का स्टाफ रखना पड़ता है, आपका मेंटेनेंस आता है, आपका रेंट होता है, रेंट आएगा आपका. ये बहुत ही एक्सपेंसिव डील होती है. आपका ऑपरेशनल कॉस्ट का मैंने अभी गिनवाना चालू किया है. आगे आप ऑपरेशनल कॉस्ट का इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे आपके लाखों में. तो इसीलिए मोस्ट जिम 6 महीनों में फेल हो जाते हैं और जो सेटअप जिम का 2 या 3 करोड़ का है वो 35-40 लाख में बिक जाता है आगे. और वो 35-40 लाख वाला भी रन नहीं कर पाता बिकॉज वो भी बहुत बड़ा खर्चा है. वो आगे 10 या 12 लाख में बेच लेता है और वो 10-12 लाख वाला क्या करेगा, वो बड़ी इंडस्ट्री का जो बड़ा पैरामीटर तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो खर्चा है वो निकालने के लिए 2 या 3 हज़ार में 2-2 साल की मेंबरशिप देना चालू कर देगा. कई सारे पोस्ट आपने देखे होंगे 3 हज़ार में 2 साल की मेंबरशिप. अब इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसने भले ना किया हो लेकिन फिक्स खर्चा तो है उसका, तो वो फिक्स खर्चे को बैलेंस कर पाएगा. लेकिन वो बैलेंस करने में वो पूरी इंडस्ट्री का माहौल बिगाड़ रहा है. अब सारे लोग उसको कम्पीट करने के लिए अपनी प्राइस रेंज गिरा देंगे. एक इंडिया में अगर जिम चलाना है तो सालाना अगर 50,000 से कम की मेंबरशिप है तो जिम चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. आप देखिएगा अगर आप फॉरेन में कोई भी जिम में जाएंगे, मैं तो कई सारे जिम में गया हूँ जब ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने देखा है कि एक दिन की मेंबरशिप हमारी 1 साल की मेंबरशिप के करीबन करीबन होती है. करीबन 12-15 हज़ार रुपये एक दिन की मेंबरशिप होती है जो हमारी 1 साल की भी नहीं होती. यही मेजर रीज़न है, कॉम्पिटिटिवनेस और साथ साथ में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट लोअर मार्जिन बिजनेसमैन को या नए एंटरप्रेन्योर को चुका देती है. इसीलिए अगर आपके पास ज़्यादा एक्सेस फंड है तो ही आप जिम का बिजनेस कर सकते हैं, ये आपको माइंड में बिठा देना पड़ेगा. सेकंड है कि जो लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास विजन नहीं है या वो अपना एक्टिव टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए भी जिम का बिजनेस सही नहीं है. वो खर्चा तो कर लेंगे लेकिन कितने भी पैसे हो
एक वेस्टफुल बिजनेस में या लॉस मेकिंग बिजनेस में आपको पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत दर्द होता है, ये हर कोई जानता है। पैसे इन्वेस्ट कोई ऐसे ही नहीं कर देता, कितने भी पैसे क्यों ना हो। आपके पास आज 10 रुपये है तो आप 1-1 रुपये बांटते तो नहीं फिरेंगे ना घर पे, या किसी और को आप सेव करके रखेंगे, या आप उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होता। तो जिम में भी क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी टीम जो है वो ब्लैक पीटी चालू कर देगी, जहाँ पे आपको पता नहीं है वो पीटी करवा रही है, लेकिन वो पीटी करवा रही है। तो आपको लगता है मेरी जिम की इनकम ही नहीं हो रही, आपकी ब्लैक मेंबरशिप चालू हो जाएगी, जहाँ पे मेंबर्स आ रहे हैं लेकिन आप 200 या 500 लोगों में से कैसे पकड़ेंगे कि ये मेंबर ने पेमेंट किया है या नहीं किया है, अनलेस कि आपको उनका ऑन मार्जिन ग्राउंड सब कुछ पता हो। और तीसरा, जो ट्रेनर्स और डाइटिशियन है वो बार बार रोटेट करते रहेंगे, बिकॉज कम सैलरी पे काम करते हैं ना, तो जो लोग अच्छी कमीशन नहीं बना पाते तो वो दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी सीक करना चालू करते थे। तो ये रीजंस की वजह से बेसिकली जिम इंडस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि भाई अगर आप टाइम नहीं देंगे एक्टिव तो भी आपका जिम बिजनेस बंद होने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। जैसे अगर जिम बिजनेस आपका नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने खर्चे पहले से कम रखिए। अगर ट्रेनर और डाइटिशियन आप हैं और आपको अपना फिटनेस सेंटर करना है तो ट्राई टू फोकस के मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप एक छोटा सा स्टूडियो या सेंटर करके अपनी सर्विसेज को कैसे बेटर कर सकते हैं, सर्विसेज के दम पर अपना ज़्यादा एक्टिव टाइम देकर आप बिजनेस को रन करें। सेकंड, अगर आपके पास एक्टिव टाइम नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रखा है, तो आपकी एम्यूनिटीज, आपके HR, आपके मैनेजर, आपका ऑटोमेशन सिस्टम, ये बहुत पावरफुल होनी चाहिए, जिस वजह से आपकी सर्विसेज पे भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े और आपकी एक अलग क्लास रहे और वो क्लास के लोग ही आपको अट्रैक्ट करके आपके पास आया करें, जहाँ पे आप एम्यूनिटीज ज़्यादा देंगे उन्हें, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट ज़्यादा देंगे उन्हें, बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे। तो ये दो चीज़ें ओवरकम करके बेसिकली आप को या तो छोटे मनी के साथ या तो बड़े मनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप कभी भी अपने बिजनेस का जो अपने जिम की मेंबरशिप की या PT की फ़ीस है उसे गिराए नहीं, बिकॉज जब आप फीस गिराते हैं तो दूसरों को भी फीस गिरानी पड़ती है। अल्टीमेटली जैसे बूमरिंग आपको ही वापस आकर हिट करता है अगर आप कहीं पर भी फेंकेंगे, वैसे ही ये भी आपको आके हिट करेगा कभी ना कभी, जब आपको भी अपने प्राइसेस को और कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और टिप्स थी जो मैंने यहाँ पे शेयर की, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन से जानी है कि भाई इस वजह से बेसिकली जिम फेल होते हैं, स्टूडियोज फेल होते हैं। नंबर 4 इज एक्टिव जिम ओनर्स और डाइटिशियंस मार्केटिंग और सेल्स पे फोकस नहीं करते, उनको लगता है जो मुझे रेफरल से लोग मिल रहे वही लोग मेरे पास आते रहेंगे। क्या आपको पता है कि एक अनुमान बिजनेस में रेफरल की इनकम खाली 5% होती है, 95% नए कस्टमर अक्वायर करना सर्विस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिमांड है, चैलेंज भी है। तो आप अगर मार्केटिंग करके अपनी बोलबाला बढ़ाकर नए कस्टमर को अट्रैक्ट और नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे तो आपको नए रेफरल कहाँ से आएंगे, बिकॉज रेफरल की संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे वीक होती जाएगी। हर कोई रेफरल नहीं देता, अच्छा रिजल्ट दिया हो तो भी रेफरल देना चांसेस नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब वर्बल रेफरल पे काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली मार्केटिंग पे और सेल्स पे भी काम करिए, बिकॉज़ ये करने से आपको नए कस्टमर मिलना बहुत आसान हो जाता है। आप अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने कंटेंट, अपने अवेयरनेस और नॉलेज का इस्तेमाल कर सामने वाले को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है जिसे बोलते हैं आईडा मॉडल, अवेयरनेस इंटरेस्ट एक्शन डिज़ायर। ये मॉडल को अगर आप फॉलो भी करते हैं तो भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी फनल बन जाती है, जहाँ पे आपके पास सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कस्टमर आते रहते हैं। आपका आपके हाथ में है कि आपके पास कितने कस्टमर आएंगे आज के ज़माने में, पहले का ज़माना नहीं था। आपको अपना टारगेट सेट करना है, उस हिसाब से आपको इंक्वायरी सेट करनी है। जैसे मेरा टारगेट 10 लाख रुपये फॉर एग्जांपल है एक ब्रांच का, तो एक ब्रांच का 10 लाख रुपये कमाने के लिए मुझे रोज़ के 33,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। अब ये 33,000 रुपये के लिए मुझे अगर 10,000 की मेरी मेंबरशिप एवरेज है, 12,000 की है, तो मुझे 3 मेंबरशिप या 4 मेंबरशिप बेचनी पड़ेगी। तो 3 या 4 मेंबरशिप कन्वर्ट करने के लिए 10 में से मेरा एक कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है तो मुझे 40 इंक्वायरी चाहिए होगी। तो मतलब यहाँ पे आपके पास कितने सारे मैट्रिक्स आ गए कि आपको 40 इंक्वायरी चाहिए, उसमें से 4 कन्वर्जन चाहिए, हर मेंबरशिप का 10 या 12,000 रुपये आना चाहिए और उससे इतना कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करके आपके सिस्टम में लानी पड़ेगी और आपको एज अ टारगेट आपकी टीम को भी कन्वे करनी पड़ेगी। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो भी आपका जिम या आपका जो बिजनेस फिटनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है वो ग्रो होगा,
सर्विस इंडस्ट्री में आपको कितना कमाना है वो आपके ऊपर है. तो मेक श्योर दैट यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स ऑल्सो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट वर्क ऑन योर टीम. आपके टीम मेंबर जो है वो क्या आपके विजन मिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बिकॉज सर्विस बहुत मैटर करती है, अच्छी है या बुरी है. सर्विस अगर अच्छी है तो आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस और आपके कस्टमर के रेफरल की सिस्टम बहुत बढ़ जाएगी. सर्विस अगर ख़राब है तो ये कट जाएगी. कई बार लोग अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे उनके टीम मेंबर उसको प्रॉमिस को कन्वे नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका नाम खराब होता है और अल्टीमेटली उनके कस्टमर बेस डाउन हो जाता है. और तब तक कोई नया इंसान उन्हें पकड़ लेता है, उनको पीछे छोड़ देता है बिकॉज वो सर्विस खुद दे रहा होता है. तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम आपके ही मैसेज को, आपके ही विजन को कैरी फॉरवर्ड करती हो. अगर ये नहीं करती तो दिक्कत आना चालू हो जाएगी और कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देना चालू कर देंगे. एंड इन सर्विस नेगेटिव फीडबैक से बुरी कोई बात हो ही नहीं सकती. तो आपको भी अपना फिटनेस बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो मैं डॉक्टर गौतम जानी, आप मुझसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.